वेलकम बैक, दिस इज शिवानी जायसवाल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इवानोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग हाउ टू चूज अ यूनिवर्सिटी, देन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टू नो द एडमिशन प्रोसेस। सो लेट्स टॉक अबाउट योर एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपके पास वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपकी यूनिवर्सिटी में लगती है, जैसे कि आपकी यहाँ पे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो, पासपोर्ट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे तो आप MBBS इन रशिया में इवानोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी को चूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये मोस्टली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करो। कि देखो, जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कि सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपका पासपोर्ट का होता है। और पासपोर्ट में अप्रॉक्स आपके 15 से 20 डेज लग ही जाते हैं। तो कि मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स के माइंड में चलता है कि हमारे पासपोर्ट्स अप्लाई होंगे, हमें क्या करना होगा इन सब चीज़ों को भी लेकर। तो देखो, ऐसा नहीं है, पासपोर्ट में आपकी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगती है। पासपोर्ट में आपकी 10th की मार्कशीट कंपलसरी है, आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। 10th की मार्कशीट, आपकी आधार कार्ड और आपका फ़ोटो, और आपको एक फॉर्म मिलती है, वो आपको फॉर्म फिल करनी होती है। बस यही आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यूनिवर्सिटी, जो भी प्रोसीजर है पासपोर्ट में। पासपोर्ट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना कंपलसरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आप दोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अप्रॉक्स 15 से 20 डेज के अंदर आपकी जो पासपोर्ट की है प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है एडमिशन लेटर का। मोस्टली अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, अभी मैं इवानोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी के आप बारे में बता रही हूँ, अगर इस यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर इशू करती है, तो एडमिशन लेटर के लिए मोस्टली आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि देखो, स्टार्टिंग में आपको कभी भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। स्टार्टिंग में आपको ओनली 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो, और अगर आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल है तो आप पासपोर्ट भी दे सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एडमिशन लेटर के लिए। आप मुझे स्कैन कॉपी ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे, मैं यूनिवर्सिटी को मेल करूँगी और यूनिवर्सिटी आपको 1 वीक के अंदर एडमिशन लेटर इशू करेगी। अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी ऐसा बोलती है कि आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, थोड़ी सी वेरीफाई करती है, तब आपके यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर इशू करती है। देखो, एडमिशन लेटर आने के बाद सेकंड स्टेप आपका इनविटेशन लेटर का है। तो वो इनविटेशन लेटर में आपको ज़्यादा नहीं, अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देनी होती है। जब भी आप इनविटेशन अप्लाई करोगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट। ये डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है, और बिना पासपोर्ट के आपका इनविटेशन नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मोस्टली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका पासपोर्ट में क्या होता है कि इनविटेशन जब आपकी आती है तो उसमें आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होता है। तो इसीलिए आपका बहुत ही ज़रूरी है कि आपके लिए इनविटेशन के टाइम आपको अपना पासपोर्ट देना पड़े। तो इसीलिए आपको मैंने सबसे पहले यही बताया कि आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करो। ये आपका सेकंड स्टेप है कि आपका इनविटेशन, जब भी आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा हमें सबमिट करेंगे, हम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपकी पोस्टलाइज होगी, कोर्ट में जाएगी, और जब सारे प्रोसीजर कंप्लीट होंगे तो अप्रॉक्स आपकी 20 डेज लग जाएगी। 20 डेज के बाद आपकी इनविटेशन आती है। सबसे ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो कि इनविटेशन में ही आपकी सबसे ज़्यादा टाइम लगती है। तो इनविटेशन आने के बाद आपका वीज़ा, देखो वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना होता है। वीज़ा के टाइम आपको अप्रॉक्स 7 डेज लग जाते हैं।
तो वीज़ा में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और उसी टाइम आपकी डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसलेशन भी होती है। डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसलेशन होने के बाद, कि ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, आपकी टिकट टिकट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो, तो टिकट में आपकी जो भी आपने हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जैसे आप अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, टिकट, ये सारे हम आपको रिटर्न करेंगे जाने से पहले। एयरपोर्ट पे हम सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न करेंगे, साथ में टिकट, और फिर आप फ्लाई करोगे दिल्ली से मॉस्को के लिए, मॉस्को से यूनिवर्सिटी के लिए। और यूनिवर्सिटी में जब आप जाओगे, तो यूनिवर्सिटी में आपकी हॉस्टल्स आपको तो पहले से ही अवेलेबल होगी वहाँ पे, बट आपके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे वहाँ पे, तब आपको वहाँ पे हॉस्टल्स मिलेगी। तो इसमें भी आपको अप्रॉक्स 2 डेज लग जाते हैं। और हॉस्टल्स मिलने के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ घूमोगे, यूनिवर्सिटीज़ की सारी फैसिलिटी देखोगे, आपको लगेगा कि हमें यहाँ पे किसी टाइप का प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है। यो भी मैंने आपको बोलूँगी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आपको जो भी यूनिवर्सिटी रशिया से प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे आपकी हॉस्टल कार्ड, ट्रैवलिंग कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड एंड और भी जो जो प्रोसीजर है वो सब हम करेंगे। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब हमें लगेगा कि आप वहाँ पे सेटल हो गए हो, तो हम रिटर्न आएंगे एंड आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर जो भी फैसिलिटी है वो आपको वहाँ पे मिले और किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखो, अभी अगर आप भी इवानोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी के लिए इंटरेस्टेड हो, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हो। और भी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके मन में और भी कोई डाउट्स हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।